मैन मैटर्स की ये हेयर गमीज को लेके मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी और सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और अब ये मेरे पास हेयर गमीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक पर्सनल रिव्यू कि क्या आपको ये हेयर गमीज एक्चुअल में खरीदनी चाहिए या नहीं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये है मैन मैटर्स की हेयर गमीज। एक बारी मैं आपको पास से दिखाता हूँ, हो सकता है आपको लाइट की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए बगल में एक फोटोग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो इसमें है बायोटिन, जिंक और मल्टी वाइटामिन्स, और इसमें मेंशन करा है कि इसमें शुगर नहीं है। हालांकि गमीज का फ्लेवर तो मीठा ही है तो इसमें शुगर तो है। इसके फ्रंट साइड पे इन्होंने लिखा हुआ है कि बायोटिन आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और डेंसिटी को बढ़ाता है, और नीचे इसमें लिखा है कि इसमें जिंक और मल्टी वाइटामिन्स भी है जो बालों की मजबूती को बढ़ाता है। ये वाला जो पैक है ये 2 महीने चलेगा और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। एमआरपी जो है इसकी वो 1000 रुपीज है। बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने मेंशन कराया कि इसमें शुगर है 0.409 ग्राम, बायोटिन है इसमें 5000 mcg, वाइटामिन सी है 20 mg, वाइटामिन ई है 10 IU, वाइटामिन ए है 180 mcg और जिंक है 1.25 mg। बाकी सर्विंग में इसमें लिखा है कि रोज की एक गमीज खानी है। गमीज के बारे में आपको पता होगा कि ये च्यू करके खानी होती है, यानी चबा के खानी होती है। बाकी और कुछ छोटी मोटी डिटेल्स इन्होंने दी हुई है, जैसे इसमें नो आर्टिफिशियल कलर्स, नॉन GMO, जीरो फैट, और भी कुछ मेंशन करा है कि ये वेगन है, ग्लूटन फ्री है और गैलेटन फ्री है। स्कैन कोड दिया हुआ है इन्होंने जिसके थ्रू हम डॉक्टर की कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे बात वगैरह कर सकते हैं, अपने हेयर की कंडीशन उनको दिखा सकते हैं। सो अब बात करेंगे कि क्या आपको ये मैन मैटर्स की हेयर गमीज खरीदनी चाहिए या नहीं। सो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन मैन मैटर हेयर गमीज को खरीदने से पहले। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये गमीज है, इसको च्यू करके खाना होता है, ये काफी मीठी है। टेस्ट वाइज अगर आप देखोगे तो काफी फ्लेवर काफी ज्यादा है इसमें, मीठी बहुत ज्यादा लगेगी। तो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है और अगर वो इसको खरीदेंगे तो हो सकता है कि रेगुलर बेसिस पे अगर इसको खाएंगे तो इससे उनका शुगर इंसुलिन बढ़ जाएगा। मेरा मतलब है जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है, जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है, तो वो लोग इसको ना खरीदे क्योंकि इससे उनका शुगर लेवल खराब हो सकता है। और जो लोग ऐसे सप्लीमेंट्स प्रेफर करते हैं जिसमें बिल्कुल भी मिठास ना हो तो वो लोग भी इसको ना खरीदे क्योंकि ये काफी ज्यादा मीठा है। एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ कि ये गमीज है और आपको रोज एक गमी खानी होती है। तो जब मैंने इस गमीज को खाया था तो बहुत आसानी से ये चबाई जाती है और थोड़ी बहुत आपके मुंह के अंदर भी फंस जाती है और थोड़ी बहुत चली जाती है स्टमक में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो गमीज खाते हैं उसमें हमको जो पूरा बायोटिन मिलना चाहिए जो इसमें मेंशन करा है वो मिल भी रहा है या नहीं। सो मेरा ये भी एक पॉइंट है, अगर आप कोई भी केमिस्ट से कोई भी टैबलेट लेते हो तो आप उसको पानी के थ्रू पी जाते हो, लेकिन ये जो गमीज है इसको आपको चबा के खाना है तो इसमें थोड़ा बहुत दांतों में भी फंस जाता है, थोड़ा बहुत आपके पेट में जाता है। तो पूरी क्वांटिटी में ये सारे जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए ये मिल भी रहे हैं या नहीं। सो ये भी एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। हो सकता है इस वाले पॉइंट से बहुत लोग एग्री ना करें बट मैं इस पॉइंट को भी काफी ज्यादा कंसीडर कर रहा हूं। सो अब फाइनल बात करते हैं कि क्या आपको ये गमीज खरीदनी चाहिए या नहीं। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बाहर केमिस्ट से ये सारे मल्टीविटामिन्स खरीदोगे तो आपको वो सस्ता भी पड़ेगा और उसमें आपको क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको जो फॉलो करना है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहेंगे उन मल्टीविटामिन्स को खाने में, अगर आप एक भी दिन मिस नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। ये सब गमीज वगैरह वही लोग खरीदते हैं जो लोग बोर हो जाते हैं कंसिस्टेंसी को फॉलो करने में, जैसे रोज जिम जाने में मजा नहीं आ रहा है तो कुछ नया ट्राई करा जाए। सिमिलरली जैसे कि रोज टैबलेट नहीं खाई जा रही है तो चलो इन हेयर गमीज को ट्राई करके देख लेते हैं, मीठी है ये, टेस्ट अच्छा आ रहा है, तो उन लोगों के लिए ठीक है। मैंने अपने लिए हेयर गमीज ऑर्डर करी थी ट्राई करने के लिए कि इसके रिजल्ट्स वगैरह कैसे हैं। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को उसके रिजल्ट्स तो मिले हैं, मतलब मेरे को लगता है मेरे बालों में थिकनेस, बट बात वही आती है कि इसमें बायोटिन है और मल्टी वाइटामिन है तो वो सारी चीजें मैं बाहर से भी खरीदूंगा तो मेरे को सस्ती पड़ जाएगी। लेकिन जो लोग पहली बार इसको ट्राई करके देखना चाहते हैं तो वो जरूर ट्राई करें। इस टाइम पे गमीज काफी सारी निकली हुई है मार्केट में, सो उस बेसिस पे अगर आप इसको ट्राई करके देखना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें। 1 महीने वाला इसका जो पैक आता है वो आप खरीद के खा सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई करिए। मेरे मुताबिक आपको इन गमीज की जरूरत नहीं है। आप केमिस्ट में जाके बायोटिन, जिंक, विटामिन सी या फिर आप कोई भी मल्टीविटामिन अलग से खरीद सकते हो, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी से उनको खाना है। और वीडियो को एंड करने से पहले बताना चाहूंगा मैन मैटर्स की ये जो गमीज है ये वैसे अच्छा इन्होंने प्रोडक्ट निकाला है, मतलब कुछ नया निकाला है। जो लोग बोर हो जाते हैं खाते खाते टैबलेट्स वगैरह तो वो लोग इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को कोई इशू नहीं है, शुगर नहीं है, कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसको जरूर ट्राई सकते हैं। कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे ये गमीज बहुत बढ़िया है।
सो गाइज ये था मेरा फाइनल रिव्यू इन मैन मैटर्स की हेयर गमीज को लेके। मे बी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि क्या आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं, या चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको शो रही होगी, आप मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इस मैन मैटर्स की हेयर गमीज को लेके इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।